हाई एवरी वन। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखने के पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि आप कितना समय लगाते हैं सांस अंदर लेने में और बाहर निकालने में। तो अगर मैं सांस अंदर ले रही हूँ 2 सेकेंड के लिए, तो मुझे कम से कम 4 सेकेंड लगाना चाहिए सांस बाहर निकालने में। इसका मतलब है कि आपको दुगना समय लगाना चाहिए सांस बाहर निकालने में। इससे ये होता है कि आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, वो नेक्स्ट ब्रेथ के लिए यानी कि नेक्स्ट सांस के लिए ज्यादा रेडी होते हैं, ज्यादा तैयार होते हैं। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एक बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, इसका नाम है पर्स लिप ब्रीदिंग। इसमें आप नाक से ही सांस अंदर लेंगे जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन सांस बाहर निकालते वक्त आप अपने होंठ को जैसे आप विसल कर रहे हैं, जैसे आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं, वैसे थोड़ा सा खुला रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं सांस लेने के लिए, आपको जितना एफर्ट लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आपके लंग्स से ज़्यादा अच्छे से फैलेगा। तो आइए ट्राई करते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग कैसे करना है। तो मैं 2 सेकेंड के लिए सांस अंदर लूंगी, और बाहर निकालते वक्त अपने होठों को थोड़ा सा खुला रखूंगी जैसे मैं कैंडल को ब्लो कर रही हूँ, और ये मैं कम से कम चार सेकेंड के लिए करूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि आपको रेशियो 1:2 मेंटेन करना है, ठीक है। तो मैं अब सांस अंदर ले रही हूँ, और बाहर निकालते वक्त आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होते हैं ये एक्सरसाइज के साथ, वैसे वैसे आप ये समय पर्स लिप ब्रीदिंग का इंक्रीज कर सकते हैं, यानी सांस अंदर 3 सेकेंड के लिए, बाहर निकालते वक्त 6 सेकेंड। वैसे अगर आपको घर पे ये प्रैक्टिस करना है या किसी को सिखाना है, आप एक कागज के साथ ये कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो मैं सांस अंदर लूंगी 2 सेकेंड के लिए, और अब मैं ये पेपर को ब्लो करूंगी 4 सेकेंड के लिए। अगर किसी को तकलीफ है ब्रीदिंग करने में, तो इनिशियली वो जब शुरुआत में ये एक्सरसाइज जस्ट सीख रहे हैं, तब ये पेपर उनका कुछ ऐसे दिख सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में इतनी ताकत नहीं है कम्प्लीटली वो फैलने की, और इसके वजह से उन्हें बहुत घाई होती है दूसरी सांस अंदर लेने के लिए। ये पेपर की एक्सरसाइज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप ये पेपर को जोर से फूंक ना मारें, और आपका जो पोजीशन है, आपके कंधे है, आप ये झुका ना दें, ठीक है। ये बहुत आराम से एक्सरसाइज करनी है, पेपर बहुत थोड़ा सा हिलना चाहिए, आपके हाथ से उड़ना नहीं चाहिए।